बच्चों की हैप्पीनेस अटमोस्ट इम्पोर्टेंस की है। लोग आज के ज़माने में अपनी अच्छाई छुपाते हैं दुनिया से। एजुकेशन भी हम ऐसे देते हैं कि उनको बोझ ना लगे। जैसे ही पता चलता है कि कहीं पे सही काम हो रहा है, कनेक्ट बनता है, वो हंसते खेलते सीख जाए। शालिनी दीदी कॉरपोरेट के चकाचौंध के दुनिया में रहने वाली जब इस स्लम बस्ती में बच्चों के पास आती है तो मानो सभी बच्चों में अपने जीवन के अच्छे भविष्य नजर आने लगता है। अच्छे बच्चे कैसे? 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 मैं शुरू से कॉरपोरेट्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में रही हूँ, तो मेरा कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं रहा है। लेकिन कोरोना के टाइम पे जब हम अपनी सोसाइटी से निकलते थे कुछ खरीदने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे घेर लेते थे और वो रिक्वेस्ट करते थे कि कुछ खिलाने के लिए। आप लोग थोड़ी देर तक तो अच्छे बच्चे रहते हो। शालिनी दीदी ऐसे समाज सेवी हैं जिसके रग रग में समाज सेवा बसा हुआ है। दीदी का एक ही सपना है, समाज के हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों न आते हो। इनका एक ही लक्ष्य है, समाज को शिक्षित बनाना। आज यही मुहिम को लेकर गली गली झुग्गी बस्तियों जा जाकर शिक्षा पहुंचाने का काम कर रही है शालिनी दीदी। ऐसे बच्चे क्यों घूम रहे हैं, कौन बच्चे हैं जो इस तरह की हालत में हैं? और मुझे लगता है कि हर बच्चे का राइट है एजुकेशन के लिए, तो कुछ बेसिक राइट्स हर बच्चे के होते हैं, तो इनको क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? शिवानी वेलफेयर फाउंडेशन महिलाओं के आत्मसम्मान, बच्चों के अधिकार, इज्जत एवं सामाजिक स्थिति की सुधार के लिए जिस प्रकार उत्साहित रहती है, देखकर अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। मानव अधिकार दिवस आज आपको अपने अधिकारों को जानना है। एनजीओ के जरिए आपने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें आपके पास बहुत सारे बच्चे आए हैं, और देख रहे हैं हमारे साइड में कुछ महिलाएं भी आए हैं, बड़े बच्चे भी आए हैं, गर्ल्स आई है। तो उन बच्चे को, उन जो पेरेंट्स है स्लम एरिया के हैं या जो भी महिलाएं आए हैं, या हर किसी के लिए ह्यूमन राइट्स का क्या मतलब आप अपने एनजीओ के जरिए समझाना चाह रहे हैं, आप हमारे दर्शक को बताइए। हमारा जो एनजीओ है शिवानी वेलफेयर फाउंडेशन, ये बच्चों की एजुकेशन के लिए, अंडर प्रिविलेज बच्चों की एजुकेशन के लिए है। तो हमें उनके अधिकारों की समझ उनके अंदर डेवलप करना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए ह्यूमन राइट्स डे पर हमने बच्चों के अधिकारों पर ये प्रोग्राम। दीदी के द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए एक एनजीओ की स्थापना की जिसका नाम शिवानी वेलफेयर फाउंडेशन है। ये वेलफेयर सोसाइटी जो समाज के बच्चों और महिलाओं के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्प है। ऐसा कुछ माइंड में नहीं था कि कोई इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे, एनजीओ बनाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन थोड़े दिन के बाद में रियलाइज हुआ कि ये बच्चों को खाने को भी ठीक से नहीं मिलता है। सामाजिक कार्य को अपना धर्म मानकर 3 वर्षों से लगातार इन्हीं बच्चों महिलाओं के साथ अपना दिन और रात एक की हुई है शालिनी दीदी। यानी शिवानी वेलफेयर फाउंडेशन का एक ही उद्देश्य है, हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कान हो। बच्चों की हैप्पीनेस अटमोस्ट इम्पोर्टेंस की है, तो एजुकेशन भी हम ऐसे देते हैं कि उनको बोझ ना लगे, वो हंसते खेलते सीख जाए। शिवानी वेलफेयर फाउंडेशन की शुरुआत सिर्फ 6 बच्चों से हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज लगभग
600 बच्चों के शिक्षा, भोजन, वस्त्र शिवानी वेलफेयर फाउंडेशन की जिम्मेदारी बन गई है। आने वाले समय में शिवानी वेलफेयर फाउंडेशन का एक ही उद्देश्य है, एक अच्छा सा स्कूल हो। आज मैंने आया तो देखा कि बच्चे के खाने का उसमें भी अच्छा खाना आप दे रहे हैं, अपने सामने खड़े होके बच्चे को खिला रहे हैं और अपने सामने में खड़े होके खाना बनवा भी रहे हैं, जिसमें छोला था, भटूरा था, कुछ फ्रूट्स भी था। तो आप हाइजेनिक का भी ध्यान रख रहे हैं और अपने सामने खड़े होके बनवा रहे हैं, तो ये डोनेशन कहीं से आता है या आप अपने पॉकेट से भी लगा रहे हैं? मुझे जो महसूस हुआ कि लोग आज के ज़माने में अपनी अच्छाई छुपाते हैं दुनिया से, और जैसे ही पता चलता है कि कहीं पे सही काम हो रहा है और कनेक्ट बनता है तो वो अपने आप आके डोनेशन देते हैं। तो हमें डोनेशंस मिल जाती हैं और स्पेसिफिक खाने के लिए भी डोनेशन मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपना मेन्यू वगैरह डिसाइड करते हैं। शिवानी वेलफेयर फाउंडेशन यहीं तक नहीं रुकती है, जब भी किसी भी नेशनल पर्व यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला का अधिकार या समाज का अधिकार, यहाँ तक कि मानव अधिकार। अगर कोई स्कूल में आपको बैड टच कर रहा है तो स्कूल पे तुरंत ही बता देना, है ना? घर में जाके तो बताना ही है मम्मी पापा को। और कोई भी बड़ा नहीं दिख रहा है तो नंबर क्या है? 1098। अब ये हम बीते 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार के दिन शिवानी वेलफेयर फाउंडेशन एक कार्यक्रम के जरिए सभी बच्चे, महिलाओं और लड़कियों को अच्छा, बुरा और अपना अधिकार क्या होता है, जब हम वकीलों से बात किए तो उन्होंने अपना अपना सुझाव इस तरह दिया। 1860 से हमारा जो इंडियन पेनल कोड है उसमें ये एज डिफरेंसेस पहले से मौजूद है, सिर्फ उसके ऊपर अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा जो पॉक्सो एक्ट है, जिसमें बच्चों के साथ जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, उसमें एक अलग से स्पेसिफिकेशन हुआ है एज का। अदरवाइज हमारी इंडियन पेनल कोड के अंदर 7 साल से 12 साल का जो एज डिफरेंसेज है बच्चे की डेफिनेशन को लेकर, और थोड़ा बच्चा जो समझदार बच्चा है उसके बारे में पहले से बताया हुआ है। अब जब पॉक्सो एक्ट लेकर आए हैं तो 7 साल से बच्चा, 7 से फिर 12 साल से नीचे की एज का बच्चा और 18 साल से नीचे की एज का बच्चा, इसमें 3 कैटेगरी रख दी गई है बच्चे की डेफिनेशन की। जो 7 साल से नीचे का बच्चा है वो बच्चा है, लेकिन 12 साल से और 7 साल के बीच का जो बच्चा है उसकी समझ डेवलप हो जाती है, वो आसपास के माहौल को देखने लगता है, समझने लगता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 7 साल से 12 साल के बीच के बच्चे अफेंस करते हैं, तो उस केस में क्या किया जाए? तो इसके लिए IPC जो कि बहुत पुराना है, अंग्रेजों के टाइम से है और इंडिया भी इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट कर चुकी है, उसमें पहले से दिया हुआ है कि 7 साल से 12 साल के बच्चे अगर अफेंस करते हैं तो उनको सुधारने के लिए प्रोविजन होने चाहिए। उसके लिए पॉक्सो के अंदर बहुत सारे प्रोविजन बनाए हैं। हमारी जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है इस पर ऑलरेडी काम कर रही है, शेल्टर होम्स भी बने हुए हैं, करेक्शंस होम्स भी बने हुए हैं कि 7 साल से 12 साल का बच्चा अगर ऐसी कोई गलती करता है जो गलत की डेफिनेशन में आता है, अपराध की डेफिनेशन में आता है, तो इन्हें शुरू में ही संभाल के ठीक किया जाए। मानव अधिकार का जहाँ पर हनन होता है, यानी मूलभूत अधिकारों का जहाँ हनन होता है वहाँ से मानव अधिकार शुरू हो जाते हैं। मानव अधिकारों के प्रति आपको, जैसे मूलभूत अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सब अधिकार आते हैं, तो अगर उनका हनन किसी भी रूप में हो तो वहाँ से मानव अधिकारों का जन्म होता है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार का मतलब ये होता है जो समाज में जितने भी बच्चे बड़े जो भी रहते हैं सबको बराबर रहने का, बराबर हर चीज़, पढ़ाई का, साथ खाने का, साथ रहने का, हर चीज़ का बराबर का हक है, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करते हैं।
इसलिए समानता का अधिकार सभी बच्चों को और सभी को जानने का बहुत ज़रूरी है। समान मतलब इक्वल, इक्वलिटी पढ़ाई के पढ़ाई में हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, इक्वलिटी ज़रूरी है सभी के लिए। इसलिए ह्यूमन राइट्स डे पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है इक्वलिटी। इन सभी वकीलों में एक वकील ये थी कि बच्चे के गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताई। यहाँ पर हम आए हैं, शिवानी मैम ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर आकर हमें बुलाकर, और ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं। एक हमारा एक्ट आया है पोस्को एक्ट, उसमें 7 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए है, उसमें पनिशमेंट है, तो उसके लिए सबको जागरूक करने के लिए। और जहाँ आप पूछ रहे थे कि आप बैड टच और गुड टच के बारे में, तो मैंने आपको पहले बताया था कि स्विमिंग सूट में जो कवर पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं, तो वो बैड टच में आते हैं अगर उसको कोई टच करे तो। और गुड टच तो सबको पता ही होता है, एक आशीर्वाद होता है वो, तो वो तो अगर आपको जैसे कोई गलत तरीके से टच करता है बैड टच, तो आपको है ना बुरा महसूस हो जाता है, फील हो जाता है। तो वो चीज़ बच्चों को पेरेंट्स को बताना चाहिए, और पेरेंट्स को उसको फिर ध्यान में रख के कि वो क्या बता रहा है, तो उसके लिए एक्शन उठाना चाहिए और 1098 पर कॉल करना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े समाज, बड़े बड़े सोसाइटी में सभी अपने बच्चे या स्कूलों में शिक्षा तो दिया जाता है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, अच्छा और बुरा क्या होता है। अगर बैड टच आपको कोई टच करता है, चाहे तो आप अपने मम्मी पापा को बताएं, या कोई आपको रास्ते में बड़ा मिले, टीचर मिले, अगर नहीं मिलता तो आपको 1098 पे कॉल करना चाहिए। टच होता है तो हमें पुलिस में बुलाना चाहिए और मम्मी पापा को बताना चाहिए। इस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, महिलाएं, लड़कियां, इनको इन चीजों से वंचित रखा जाता है। शिवानी वेलफेयर फाउंडेशन ने अपना मुहिम चलाया कि सभी बच्चे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, उन सभी बच्चे को मानव का अधिकार, बच्चे का अधिकार, महिलाओं का अधिकार, उसके बारे में जानकारी देना। गुड टच होता है कि कोई सर पे हाथ फेरे तो वो गुड टच रहता है, लेकिन वही व्यक्ति या कोई दूसरा हो तुम्हारे गालों को गलत ढंग से छूता है या तुम्हारे कपड़ों को गलत ढंग से वो करता है तो वो बैड टच है। ऐसे लोगों का तुम्हें ही ध्यान रखना है। बच्चों को अगर ऐसा कहीं भी लगता है कि ये आदमी हमें गलत ढंग से वो कर रहा है, तो उसकी शिकायत अपनी मम्मी या पापा से करें।